नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजी न्यूज पर। आज के टॉप 10 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। स्टॉक मार्केट आज दूसरे दिन भी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 26.27 अंक और निफ्टी 12.40 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वाली शिवसेना की दशहरा रैली के खिलाफ दायर जनहित याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में करीब एक महीने के इंतजार के बाद बारिश हो रही है। राज्य के नंदुरबार समेत वाशिम, परभनी, अमरावती, भंडारा जिलों में भी बारिश हुई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अम्बेडकर ने भी इंडिया या भारत मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अम्बेडकर ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने संविधान के अनुच्छेद 1 के साथ खिलवाड़ करके इंडिया गठबंधन को बेवकूफ बनाया है। प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। राज्य के 3 लाख किसानों को 465 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के मामले में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना यूबीटी के विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्यपाल से गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा लिए जाने की मांग की गई। जवान की रिलीज का फैंस देश भर में जमकर जश्न मना रहे हैं। चेन्नई में भी SRK की फिल्म के लिए फैंस क्रेजी नजर आए। इस दौरान शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज पर फैंस ने उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाया और चेन्नई के थिएटर के बाहर जश्न मनाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने जय शाह को एक लेटर लिखा है और मुआवजे की मांग की। दरअसल जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और PCB का कहना है कि उन्हें एशिया कप के मैच श्रीलंका में होने के कारण गेट मनी का नुकसान था। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट के लिए नई दिल्ली में होंगे। भारत सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली में जिन होटल में विदेशी मेहमान रुकेंगे वहाँ भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, हर होटल में हथियार भी रखे गए हैं। यूपी के रहने वाले एक युवक द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उनकी सुरक्षा में 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए PCN न्यूज़। नमस्कार।